जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC के क्वेश्चन पेपर जो 2019 के वैकेंसी के तहत एग्जाम हुए थे, जो डेट था 11/17/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। इस चैनल पर, भगत सिंह जी के चैनल पर, रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। कुछ ही दिनों पे करेंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि जनवरी 2024 से लेकर अभी तक का सारा करेंट अफेयर्स आप लोग के बीच लाया जाएगा, जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हम इसी तरह बारी बारी से रेलवे के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन आप लोग के बीच लाते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि देश को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो किसे मोतियों का शहर कहा जाता है? तो तिरुपति है, नगरी है, हैदराबाद है, नेल्लौर है। इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? तो मोतियों का शहर कहा जाता है। कुछ ऐसे जगह हैं जिसका कि उपनाम के नाम से जाना जाता है, जैसे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को कहा जाता है भाग्य का शहर। किस शहर? भाग्य का शहर, ठीक है। अगर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी को कहते हैं पूर्वोत्तर भारत का गेटवे, यानी कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं मुंबई को, तो पूर्वोत्तर भारत का गेटवे किसको कहते हैं? तो गुवाहाटी को कहते हैं। अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भारत की रेशमी शहर कहा जाता है। अगर भिलाई की बात करें तो इस्पात राजधानी कहा जाता है भारत की, भिलाई को क्या कहते हैं? तो भारत की इस्पात नगरी कहते हैं। वहीं जमशेदपुर की बात करें, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? स्टील फैक्ट्री कहते हैं या स्टील राजधानी कहते हैं। बेंगलोरो की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। अगर कोच्चि की बात करें तो इसे अरब की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोलकाता को क्या कहते हैं? तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। कोलकाता को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। तो ये सब विभिन्न शहरों का उपनाम है। अगला क्वेश्चन, एक लॉटरी में 96.5% आदमी प्रतियोगिताओं में कोई पुरस्कार नहीं जीतता है, ये नहीं जीतता है, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, तो प्रतिभागियों की कुल संख्या कितना है? अगर कह रहा है कि 96.5% आदमी नहीं जीता, तो जीता कितना होगा? तो जीता होगा 3.5% आदमी। 3.5% आदमी कैसे? तो कुछ भी चीज़ का 100% यानी कि प्योर होता है, उसमें से 96.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3.5%। इतना आदमी जीता तो इसी का संख्या दिया हुआ है कितना? 700 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कितना कि टोटल प्रतिभागी, तो टोटल प्रतिभागी कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो मान लेंगे x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 700 × 3.5 और 700 × 100/3.5। 3.5 को यहाँ पे दशमलव है तो 10 और ऊपर जाएगा, इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा? तो 20 बार में कटेगा। 20 × 1000 कितना हो जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, परसेंटेज से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहा गया है कि दिए गए ग्राफ में 2001 से 2005 तक शहर PMN और P में हुई बारिश सेंटीमीटर में दर्शाई गई है, ग्राफ का अध्ययन करें और आंसर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है? ये वाला जो लाइन दिखा रहा है ये है P, और ये वाला जो लाइन दिखा रहा है ये है N,
और ए वाला जो लाइन दिखा रहा है वो है एम, और सबसे ऊपर में जो लाइन है वो है क्या है, पी एम पी है, ओ है ओ। तो पूछा गया है कि सबसे ज़्यादातर वर्षा किस शहर में हुआ है। अगर यहाँ पे देखें, जूम करके देखें तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा वर्षा किस शहर में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा देखें तो इतना हुआ है, ये रहा और ए रहा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस में हुआ है, तो पी एन में हुआ है। किस में हुआ है, एन में हुआ है। ये सबको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो सबसे ज़्यादा किसका निकलेगा, एन का निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 5 तक के बीच एम एन ओ और पी में हुई बारिश सेंटीमीटर में दर्ज किया गया है। तो दी गई अवधि में किस दो शहरों में लगभग बराबर बरसात हुआ है। तो क्या करना होगा, सबको बारी बारी से बरसात निकालना होगा। हम अगर ऑप्शन के अनुसार चले तो पता चलेगा, जैसे पी और ओ लेके चलते हैं तो पी में कितना कितना बारिश हुआ है, 130 हुआ है, उसके बाद कितना हुआ है, 120 हुआ है, फिर कितना हुआ है, तो फिर 130 हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर 120 हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर 130 हुआ है। इस सब को जोड़ देंगे और किस से भाग दे देंगे, 5 से। फिर उसी तरह क्या करेंगे, पी का जोड़ेंगे। पी का अगर देखें तो कितना हुआ है, 100 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 150 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 120 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 180 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 100 हुआ है। तो ये सबको क्या करेंगे, जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। इन दोनों का वर्षा क्या आ जाएगा, लगभग बराबर आ जाएगा। तो यही था क्वेश्चन, टाइम टेकन है और बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वही ग्राफ से संबंधित है, कह रहा है कि पांच शहरों वर्षों में सबसे परास का मतलब क्या होता है रेंज। तो समझ लीजिए, मैक्सिमम और माइनस मिनिमम का अंतर को क्या कहते हैं, परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। अगर ये सिर्फ जानना चाहता है एग्जामिनर कि बच्चे को ज्ञान है कि नहीं, मैक्सिमम में क्या करते हैं, मिनिमम को घटाते हैं, यही है क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्षा कहाँ हुआ है, जैसे पी मान लेते हैं तो पी में मैक्सिमम वर्षा कितना हुआ है, पी में मैक्सिमम वर्षा हुआ है 180, और मिनिमम की बात करें तो कितना हुआ है, 100 हुआ है। तो इसका रेंज कितना हो गया, यानी कि रेंज तो 80। तो मैक्सिमम यही एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि बच्चे के पास ज्ञान है कि नहीं, कि परास क्या होता है उसके बारे में उसे पता है कि नहीं। तो अगर सीधे कर देता कि अधिकतम वर्षा में न्यूनतम वर्षा का अंतर कितना है तो सब निकाल लेता, लेकिन जैसे यहाँ पे परास कर दिया तो जो बच्चे को ज्ञान नहीं है वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो कभी इन चीज़ों से नहीं डरना है, इसमें क्या करा जाता है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया जाता है। ठीक है, रेंज में क्या किया जाता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं, इस तरह रेंज। इस तरह का सवाल कुछ और भी यूज करके आपसे पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ। तो क्या कहे, क्रिकेट बल्ला, क्रिकेट खेल किससे खेला जाता है, तो बल्ले से। उसी तरह टेनिस किससे खेला जाता है, तो टेनिस जो खेला जाता है रैकेट से खेला जाता है, वो जो होता है, ठीक है, इस तरह का, इसको क्या कहते हैं, रैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, रैकेट, रैकेट से खेला जाता है टेनिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैकेट। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कुछ संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों के स्थान पर आएगा। क्या क्या है, 13 है, 25 है, 49 है और 97 है। तो पूछ रहा है कि अगला क्या होगा, इसमें क्या किया गया है, 13 दुना 2 से गुना करके -1 किया गया है, 2 से गुना करके क्या किया गया है, -1। 13 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 13 गुना 2 करेंगे तो 26 होगा, और माइनस उसमें 1 करेंगे तो 25 होगा, यही 25 यहाँ पे लिख दिया गया। फिर 25 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 50, अब 50 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 49। फिर 49 गुना 2 करेंगे
गुना दो करेंगे माइनस वन करेंगे, 49 गुना दो करेंगे तो 98, माइनस एक करेंगे तो 97। तो हम भी अगले टर्म में क्या करेंगे, 97 × 2 − 1, 97 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 194 और माइनस वन तो क्या हो जाएगा 193 इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको कहते हैं सीरीज। तो ये सब पकड़ने आना चाहिए तभी आप एक क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है CGKO और इसके जगह वाट और W। तो यहाँ किया क्या गया है ये देखेंगे। C के बाद आया है जी, जी सी का कितना होता है, ABCD में अगर बात करें तो 4, जी होता है तो 7, इसमें कितना प्लस किया गया है तो 3 का प्लस किया गया है। फिर आगे देखें तो के होता है 11, जी होता है 4, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। फिर देखें के कितना होता है 15, और यहाँ पे कितना प्लस किया गया है तो 4 प्लस किया गया है। तो फिर इसमें भी हम लोग क्या प्लस करेंगे, 4, 15 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 15 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 में क्या होता है एस होता है, क्या होता है एस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एस। फिर 19 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, 23 में क्या होता है तो डब्लू, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा एस, एस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे पद का साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले शब्द के साथ है। क्या कह रहा है, प्राकृतिक, तो इसी का पूछ रहा है। इधर क्या गया, पोषण का क्या आ जाएगा, पोषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोषित। ये सब कोई मैच का नहीं खा रहा है, एक सिर्फ पोषित मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु सोहन की आयु से दुगुनी है। राम की आयु क्या है, सोहन की आयु से दुगुनी, तो सोहन की आयु हम लोग मान लेते हैं क्या एक्स, सोहन की आयु कितना है एक्स वर्ष। क्या कह रहा है, राम की आयु सोहन से दुगुनी है, तो राम की आयु कितना हो गया, राम की आयु हो गया 2x, सोहन से दोगुना है तो 2x हो गया। आगे क्या कर रहा है, लेकिन रोहन की आयु आधी है, लेकिन क्या कर रहा है रोहन की आयु से, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन रोहन की आयु की आधी है, तो राम का आयु किसका आधी है, रोहन का, तो रोहन का आयु उम्र क्या है आधी है, तो इसका मतलब कि रोहन का उम्र कितना होता होगा, रोहन का उम्र होता होगा 4x, तभी तो उसका आधा 2x होगा। राम कह रहा है कि रोहन के आयु से आधी है, तो रोहन का आयु होगा 4x, तभी तो राम 2x होगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है। अब कह रहा है कि रवि का आयु सोहन की आयु से क्या है आधी है, तो रवि हो गया तो x बाई टू हो जाएगा, रवि x बाई टू हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि सोहन की आयु की आधी है x बाई टू। अब क्या कर रहा है, लेकिन रोहित की आयु का दो गुना है, लेकिन क्या कर रहा है कि रोहित का आयु का दो गुना है, तो रोहित कितना होगा, रोहित का आयु का दो गुना है ए, तो रोहित का उम्र कितना हो जाएगा x बाय फोर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपको पता चल गया होगा कौन है 4x, यानी कि 4x में कौन है रोहन सबसे बड़ा है। तो इस तरह का सवाल टाइम टेकन होता है, लेकिन इसे आसानी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रोहन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 शब्द दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें, ठीक है। नवीनतम है, मूल है, अद्वितीय है, यूनिक, और यहाँ क्या है समान है। तो ये सब जो है ये एक सब यानी कि एक चीज़ का वर्णन करता है, ये लोग का मतलब है कि कोई एक, अद्वितीय है तो इसके जैसा कोई एक नहीं, कोई मूल है तो एक है, नवीनतम है तो एक, लेकिन समान, जब समान का बात आता है तब हम किसी का तुलना करते हैं तब समान का बात आता है। तो तुलना कब करेंगे, जब हम हमारे पास एक से अधिक समान होगा तभी तो तुलना करेंगे।
तो समान जो है कि एक से अधिक चीज़ों का वर्णन करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान अलग हो जाएगा, बाकी सब एक चीज़ का वर्णन करता है। समान क्या हो जाएगा, एक से अधिक चीज़ का वर्णन करता है, इसीलिए समान यहाँ पे डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्याओं का चयन करें, इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्या दिया गया, आयत, तीन आयत दिया हुआ है, एक दो और तीन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। तो इसका जो जितना भी डंडा है तो इसका एक डंडा का वैल्यू एक है, एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसी डंडा को क्या लिख दिया गया, 12। फिर आगे क्या है, आगे पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है, फिर पंचभुज है, फिर क्या है, पंचभुज है, ठीक है, तो इसको लिखा गया है 15। तो इसका वैल्यू के पता चल रहा है क्या, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भी 5, इसका वैल्यू भी 5, इसका वैल्यू भी 5, तभी तो 15 हुआ है। अब 0 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक जीरो का वैल्यू कितना है, 2, एक जीरो का वैल्यू कितना है, 2 2 2, तभी तो 6 हुआ है। अब पूछा है इसके बारे में, किसके बारे में, कि एक आयत है प्लस एक पंचभुज है प्लस और एक सर्कल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हम लोग बता सकते हैं आसानी से, आयत का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और पंचभुज का कितना हो जाएगा, 5, और सर्कल का कितना होगा, 2, 5 और 2 7 7 4 कितना हो जाएगा, 11। इसका राइट आंसर क्या होगा, 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में उस अक्षरों समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए वाई डी को क्या लिखा गया है, बी वी एफ सी एस एच लिखा गया है, तो आगे क्या होगा। ए को लिखा गया है बी, कितना बढ़ा, तो एक बढ़ा। वाई को लिखा गया है बी, वाई होता है 25 और बी होता है 22, तो यहाँ पे कितना बढ़ा, कितना माइनस हुआ, तो 3 माइनस हुआ। डी को लिखा गया एफ, यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो 2 का। तो सीरीज यहाँ पकड़ेंगे कि पहले में प्लस 1 हो रहा है, पहले में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, दूसरे में माइनस 3 और तीसरे पर प्लस 2 हो रहा है, तो हम भी आगे वही करेंगे। सी क्या है, सी एस एच, सी का कितना होता है, 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में क्या आ जाएगा, डी। फिर एस, एस होता है 19, 19 में 3 माइनस करेंगे, तो 19 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 16, 16 में क्या होता है, पी होता है। फिर आगे एच, एच में क्या करेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे, तो एच होता है 8, 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, जे, डी पी जे होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पी जे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि बी ई एच के वाट और क्यू के, यानी वाट के जगह पर क्या आएगा, क्या क्या है, बी है, ई है, एच है, के है, वाट है और क्यू है। तो बी से क्या हुआ है, ई हुआ है, बी से ई, बी का 2 होता है, ई होता है 3, बी होता है 5, कितना का प्लस हुआ है, 3 का, यहाँ पे भी 5 3 8, यहाँ भी 3 का प्लस, यहाँ भी कितना का प्लस, 3 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 3, के में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के में 3 के होता है 11, 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में क्या होता है, तो एन होता है, क्या होता है, एन होता है, तो ये बी प्लस 3 और फिर एन में 3 जोड़ेंगे तो क्यू, तो ये वाट के जगह में क्या आएगा, एन आएगा। तो इस तरह हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए, अगले क्लास में देखेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।